उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में 22 साल के युवक का अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई है। दिल्ली में पुलिस ने अपहरण के बाद हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। दो दोस्तों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है। आरोपी की निशानदेही पर मृतक का शव बेहट हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों से बरामद कर लिया गया है। वहीं दूसरा आरोपी फरार है। आरोपी अरुण बदायूं यूपी का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों गठन किया गया है। सचिन को आज कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले लिया जाएगा। वहीं नितिन के शव का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। मामले में आगे की जांच जारी है। सर, मर्डर केस वर्कआउट किया करावल नगर पुलिस ने, उसके बारे में कुछ बताइए सर, क्या था मामला? देखिए, ये करावल नगर का केस है जिसमें तीन दोस्त थे। उनमें से दो दोस्तों ने बैला फुसला के तीसरे दोस्त को साथ में लेके गए कि खाएंगे पिएंगे, और वहाँ जाके उसका मर्डर कर दिया। और फिर उसी के फ़ोन से उसके परिवार वालों को फिरौती की डिमांड की, 2 लाख रुपए मांगे। तो केस एक्चुअली पुलिस के नोटिस में आया 20 तारीख को सवेरे, जब पहली कॉल आई थी। ये 22 साल का लड़का है नितिन, और उसकी बहन के पास फ़ोन किया, उसी के फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल गई और उसमें पैसे मांगे गए। तो उन्होंने तुरंत आके पुलिस को बताया। हमने तुरंत इसमें 364A IPC होता है, किडनैपिंग फॉर रैनसम, उसका केस दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। एक आध कॉल और आई, और जिस तरह से कॉल्स आ रही थी तो हमें इसमें शक था कि कहीं नुकसान ना हो गया हो। हम लोग अपनी तरफ से आसपास के थानों में पता भी कर रहे थे। और इसी बीच जब इसके दोस्तों की एक लिस्ट हमने इसकी बहन से ले लिया था, इसकी कॉल डिटेल भी हमने खंगाली, तो उसमें कुछ नाम उभर कर आए और उनको हम लोग रूल आउट कर रहे थे। इसी बीच पता लगा कि इसका एक दोस्त है जो कि काफ़ी इसके क्लोज था, और वो दिल्ली छोड़ के कहीं चला गया है। तो फिर उसको हम लोगों ने ठीक से इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा गंगानगर में वो चला गया था। तो हमारी टीम कल पहुंची गंगानगर, वहाँ ये दोस्त मिल गया, इसका नाम सचिन शर्मा है। इसे जब बातचीत की, इंटरोगेट किया, तो इसने बताया कि उसी दिन 19 तारीख का ये इंसिडेंट है, शाम को उसने और इनका जो तीसरा दोस्त है अरुण, दोनों ने मिलके इसका नितिन का मर्डर कर दिया था और लाश को फेंक दिया था, और फिर उसी के फ़ोन से ये कॉल कर रहे थे। तो अभी हमने सचिन को अरेस्ट कर लिया है और अरुण की तलाश जारी है। कैसे, किस चीज़ से इसका मर्डर किया और क्या डिमांड की थी इन लोगों ने? मैंने जैसे आपको बताया, 2 लाख रुपए का इन्होंने किया था, और ये चाकू अपने साथ ही ले गए थे। मतलब पहले से प्री प्लान्ड मर्डर था, करीब ये 2 हफ्ते से इसको प्लान कर रहे थे किस तरह से करेंगे। और नितिन की छुट्टी थी 19 तारीख को, तो उनको लगा ये अच्छा मौका है, तो उसको फ़ोन भी किया, क्या तेरी छुट्टी है, चल घुमाते हैं। तो फिर उस बहाने से वो ले गए थे और ये यूपी में ले आके इसका मर्डर कर दिया। प्रोफाइल एक बार बता देते इनका क्या? मिडिल क्लास परिवार है। जो नितिन है वो एक शादरा में कपड़े की दुकान पे काम करता था, और जो सचिन है ये सेल्समैन है एक बर्तन की दुकान पे। अरुण के बारे में अभी और हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।